पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैली। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के लिए वोट अपील करेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों के रैली में आने की उम्मीद। पीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के साथ सेना के जवानों ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रशासन ने उधमपुर को नो फ्लाई जोन घोषित किया। जनसभा स्थल के आसपास ड्रोन और गुब्बारे उड़ाने पर भी बैन लगाया। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी की राजस्थान में 2 रैली। दोपहर 2:15 बजे बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के लिए करेंगे वोट अपील। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल से है कड़ी टक्कर। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे दौसा में रोड शो करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम गुरुवार को राजस्थान में इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। कहा भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कितनी भी गाली दो भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। राजस्थान से पहले ऋषिकेश में मोदी ने डमरू बजाकर चुनावी शंखनाद किया। कहा भारत में मजबूत सरकार दुश्मनों को घर में घुसकर मारती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास और विरासत विरोधी बताया। कहा कांग्रेस होती तो देश में सब कुछ लुट जाता। पीएम पर राहुल गांधी का पलटवार। महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोले पीएम, सिर्फ ध्यान भटकाने में लगे। राहुल गांधी ने पीएम को घेरा। कहा जब संसद मैंने अडानी पर सवाल पूछा तो मेरी सदस्यता छीन ली, सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलाई। राहुल गांधी की आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंडी गठबंधन के लिए रैली। सीएम स्टालिन भी करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी डीएमके उम्मीदवार गणपति राजकुमार के लिए वोट अपील करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ है कड़ा मुकाबला। कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और डीएमके समर्थक भिड़े। झड़प में दोनों तरफ से कई लोग घायल। हंगामे के दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों पक्षों को शांत कराया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कोयम्बटूर में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो। अन्नामलाई ने रोड शो के दौरान ढोल बजाया। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश भी अन्नामलाई के साथ रोड शो में शामिल हुए। अन्नामलाई के समर्थन में वोट मांगे। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने अन्नामलाई की तारीफ करते हुए कहा वो एक युवा हैं, उन्होंने पदयात्रा की है, लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। नारा लोकेश ने अन्नामलाई की जीत की उम्मीद जताई। कहा उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, लोग भी इसी तरह उनका साथ देंगे। टीडीपी महासचिव ने कहा निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। डीएमके ने पूरे तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ लगाया पोस्टर। पीएम मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर पर बारकोड लगाया, लोगों से स्कैन करने और घोटालों को देखने की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज्य के मंत्री विक्रमादित्य पर विवादित बोल। कहा एक पप्पू दिल्ली में है, एक हिमाचल प्रदेश में। कंगना ने कांग्रेस पर खुद को कलंकित करने का आरोप लगाते हुए कहा हम कला को नहीं, कला हमें सिखाती है और तुम कौन होते हो पूछने वाले। कंगना रनौत के बयान के जवाब में विक्रमादित्य ने उन्हें बताया बड़ी बहन। कहा आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। क्षेत्रीय पर विवादित बयान देकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बुरी तरह फंसे। क्षत्रिय समाज की एक महिला रूपाला ने उम्मीदवारी के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। सपा उम्मीदवार भगवत सरन गंगवार के लिए करेंगे वोट अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी के मुरादाबाद में रैली। सुबह 11:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह आज तमिलनाडु के मदुरई में रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे पेरियार बस स्टैंड से विलकुथुन जंक्शन तक होगा रोड शो। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नकुलनाथ पर बड़ा और करारा हमला। कहा कांग्रेस उम्मीदवारों को दिख रही है हार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास कैश मिलने के बाद लगाए गए कई आरोप। कहा हार की हताशा में नकुलनाथ कहीं शराब बांट तो कहीं पैसा बांट रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने वोट के लिए नोट तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कहा इसकी चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। छिंदवाड़ा सीट को संवेदनशील घोषित करने की मांग करेंगे। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का अटैक। कहा हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समेत सभी बीजेपी नेता जेल में होंगे। मीसा भारती के बयान पर घमासान। बीजेपी महासचिव विनोद ताबड़े ने कहा विपक्ष के प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है। मीसा भारती के बयान पर भड़के विजय सिन्हा ने कहा चपरासी क्वार्टर में महलों के राजा कैसे बने, देना होगा हिसाब। पहले अपने परिवार के घोटालों को देखें मीसा भारती। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। मीसा भारती सरकार बनने का सपना देखना बंद कर दे, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने से डरती है बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का सवाल बिहार के लिए 5 सालों में क्या करेंगे बताएं। आसनसोल से अपने विरोधी उम्मीदवार
एस आलूवालिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, कहा आते ही तुष्टीकरण की बात करने लगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज दो रैली, कूचबिहार और अलीपुर द्वार में करेंगी जनसभा को संबोधित। सीएम ममता बनर्जी का बयान, दंगा भड़काने की कोशिश होगी, शांत रहना, जाल में मत फंसना। सीएए एनआरसी और यूसीसी को स्वीकार नहीं करेंगे, ममता बनर्जी का बयान। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी कैंपेन जारी, प्रधान ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की, समर्थन की अपील की। 14 से 17 अप्रैल तक पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली, एमपी कर्नाटक बिहार समेत 7 राज्यों का करेंगे दौरा। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की रैली, कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने दी जानकारी। बीआरएस नेता केटी रामाराव की भविष्यवाणी, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे सीएम रेवंत रेड्डी। केरल में 20 की 20 सीट जीतेंगे, कांग्रेस नेता रमेश चेन्नी थलाका का बयान। दक्षिण चेन्नई सीट से बीजेपी उम्मीदवार तिमिली साई सुंदराजन ने तेज किया प्रचार, सब्जी व्यापारियों से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार तमिलनाडु पुलिस और अर्धसैनिक बल, तिरुचिरापल्ली में निकाला फ्लैग मार्च। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश के 7 टॉप गेमर्स से की आवास में मुलाकात, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाणकर, पायल धारे, अंशुबिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से बात की। मुलाकात के दौरान गेम्स भी खेलते नजर आए। पीएम मोदी और गेमर्स की मुलाकात का टीजर किया गया जारी, पूरा वीडियो 13 अप्रैल यानी कल होगा रिलीज। हीट वेव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ चर्चा। पीएम मोदी ने अधिकारियों को अवेयरनेस फैलाने और लोगों की मदद करने की सलाह दी, हेल्थ सेक्टर पर भी बात की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी, पूछताछ के लिए अदालत से मांगेगी कस्टडी। सीबीआई ने गुरुवार को के कविता को किया गिरफ्तार, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत किया केस दर्ज, अब तक ईडी की हिरासत में थी के कविता। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया युद्धाभ्यास, सेना ने 17,000 की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया अभ्यास। सेना के मिसाइलों ने लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना, एक मिसाइल एक टैंक का रखता था लक्ष्य। सेना के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य ऑपरेशन में मिलेगी सफलता, युद्धाभ्यास में पूर्वी कमान और सेना की मिसाइल फायरिंग यूनिट ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के कल्याण में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। आग ने प्लांट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया, आग से किसी के जान के नुकसान की जानकारी नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। दिल्ली में लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चारों बदमाशों ने कार लूट और ग्रोसरी स्टोर में लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कर रही थी छापेमारी। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद लूट की 2 कारें और लूट में इस्तेमाल 2 हथियार जब्त किया, बदमाशों के पास से ग्रोसरी स्टोर से लूट का सामान भी बरामद। यूपी के इटावा में मीट कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एसएफएल की टीम ने इकट्ठा किए सबूत, हमले के समय घर में अकेला था शख्स। नवरात्र के 4th दिन मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा, मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़, मंदिर में भक्तों ने लगाए जयकारे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वाले अब खाकी वर्दी में नहीं दिखेंगे, पुलिस विभाग के जवानों के लिए नए ड्रेस कोड का ऐलान। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक मंदिर में तैनात पुरुष पुलिस वाले लाल और गेरुए कुर्ता धोती पहनेंगे, जबकि महिला पुलिसकर्मी गेरुआ सलवार कमीज पहने नजर आएंगी। पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक पुजारी की पोशाक में तैनात पुलिस वाले श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे और भीड़ को कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की नई पोशाक को अखिलेश यादव ने गलत बताया, पूछा किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस वालों को पुजारी के रूप में तैयार करना जायज है। मैत्री बोध परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट ने मैत्री संस्कार मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम लॉन्च किया, बच्चों को दुनिया की चुनौतियों से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। मैत्रीय दादाश्री जी के सिद्धांतों से प्रेरित है कोर्स, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है पाठ्यक्रम। महाराष्ट्र के कल्याण से लोकसभा उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मिलने पहुंचे, श्री श्री से लिया आशीर्वाद, शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। देशों में एप्पल ने यूजर्स को किया आगाह, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर से बचने की दी सलाह। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होगा मुकाबला, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक खेले गए 4 में से 3 मैचों में जीत हासिल की, दिल्ली को 5 में से 4 मैचों में मिली हार,
पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अपनी वापसी का किया शंखनाद। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 7 विकेट से हराया। बुमराह, किशन और सूर्या की तिकड़ी ने दिलाई मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी जीत। 27 गेंद बाकी रहते रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को दी शिकस्त। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, आरसीबी को 196 रनों पर रोका। आईपीएल ने आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने बुमराह। आशीष नेहरा का भी तोड़ा रिकॉर्ड। विराट कोहली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चलते हुए। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं बार कोहली को आउट किया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच में स्लो ओवर पड़ा महंगा। केकेआर की टीम के खिलाड़ियों ने कालीघाट मंदिर में मां कालका के किए दर्शन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एशियाई चैंपियनशिप में भारत के रेसलर उदित को सिल्वर, अभिमन्यु और विकी ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। पेरिस ओलंपिक से पहले स्पेन में प्रशिक्षण लेंगी ज्योति याराजी। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।